नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। कांग्रेसी चुनाव चिन्ह पंजे के खिलाफ भाजपा ने दी चुनाव आयोग में दस्तक। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की मान्यता खारिज करने और उसका चुनाव चिन्ह हाथ जब्त करने का अनुरोध करते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी ने 11 जनवरी को कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित जनवेदना सम्मेलन के दौरान वोटरों को धार्मिक प्रतीकों के आधार पर बरगलाने की कोशिश की। ये सीधे सीधे चुनाव आयोग के निर्देशों और हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले का उल्लंघन है। पार्टी ने राहुल गांधी के भाषण की वीडियो सीडी भी चुनाव आयोग को सौंपी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मुख्तार अब्बास नकवी और वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंचा। अपनी 7 पन्नों की शिकायत में राहुल गांधी पर लंबे चौड़े आरोप लगाए गए। राहुल गांधी की 11 जनवरी को जनवेदना सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण की वीडियो सीडी भी सौंपी गई। इस भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी 100 साल पुरानी है। एक दिन वो भगवान शिव की फोटो देख रहे थे, उसमें कांग्रेस पार्टी का चिन्ह दिखाई दिया। फिर गुरु नानक, भगवान बुद्ध, महावीर और हजरत अली की फोटो देखी तो उन सभी में कांग्रेस का चिन्ह दिखा। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी ने अपने बयान के जरिए लोगों के बीच ये भ्रम फैलाने की कोशिश की है। भाजपा ने कहा कि चुनावी आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे समय में इस तरह का बयान देना पूरी तरह से गैर कानूनी है। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले का हवाला देते हुए भाजपा ने कहा कि उस फैसले में कहा गया था कि कोई भी राजनीतिक दल धर्म व जाति के आधार पर वोटर को प्रभावित नहीं कर सकता। राहुल गांधी का ये बयान इस फैसले का भी उल्लंघन करता है। इसके अलावा चुनावी आचार संहिता का भी खुलेआम उल्लंघन है। भाजपा ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि कांग्रेस पार्टी को मिली राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता को तत्काल खारिज किया जाए और उसका चुनाव चिन्ह निशान यानी हाथ का निशान जब्त कर लिया जाए। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी कांग्रेस। कानपुर ट्रेन हादसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ होने का शक। प्रधानमंत्री मोदी की पाक को खरी खरी, अच्छे रिश्ते चाहिए तो आतंकवाद छोड़ना होगा। भाजपा में शामिल हो सकते हैं कुमार विश्वास। साहिबाबाद सीट से लड़ना चाहते हैं चुनाव। शीना बोरा हत्याकांड मामले में मां इंद्राणी और सौतेले पिता पीटर पर हत्या के आरोप तय।